The forthcoming Lok Sabha polls this time will not only be between political parties and their supporters, but also between members of the same family. One such case is in Gujarat's Jamnagar, where BJP leader Poonam Madam will be contesting against two-time Congress MP and her uncle Vikram Bhai Arjun Bhai Madam. Poonam Madam, who is Vikram Madam's niece, has been fielded against her uncle in Khambhalia constituency of Jamnagar. She was a Congress member till last elections but defected to BJP in 2012 over dispute on party tickets. Poonam is the daughter of late Hemant Madam, a four-time independent MLA from Khambhalia. When asked about the contest, she said she is sure her work will win over her uncle's influence. हाँ, ये बात सच है कि वो मेरे कुटुंबिक चाचा है, पर वो कांग्रेस के उम्मीदवार है इस विस्तार के. यहाँ उन्होंने पिछली दो टर्म इस विस्तार का प्रतिनिधित्व भी किया है. और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हूँ. और हम दोनों का अधिकार है लोगों के बीच में हमारी बात रखने का, और मैं लोगों के ऊपर उनका निर्णय छोड़ूंगी और जो भी उनका निर्णय होगा मैं स्वीकारूंगी. On the other hand, Vikram said the candidates being fielded are not important, but what is important are their party's ideologies. He also added he is fighting against corrupt practices of the BJP and not against a candidate. मेरे लिए कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता है. मैं हमेशा बीजेपी की नीतियों के सामने लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे कैंडिडेट कोई भी आए, मैं कैंडिडेट के बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ, उनसे कोई चर्चा का विषय भी नहीं है मेरा. बीजेपी की नीतियाँ हमेशा जनता के खिलाफ रही है. जामनगर में ब्यूटिफिकेशन का मामला हो, चाहे डिफरेंस टैक्स का मामला हो, ये सारे पॉइंट लेके मैं जनता के बीच में जाता हूँ और जनता को जो सही लगेगा वही दिल से वोट करेंगे, क्योंकि वो जनता का राइट है. वोटिंग करना और किसको करना, ये जनता का राइट है और वो राइट मैं छीनना नहीं चाहता हूँ. दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय NNIS.